नमस्कार, मिंटी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। किसनी क्षेत्र के गांव उदयपुर कला में कंबल वितरण कार्यक्रम में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक की रिपोर्ट। किसनी क्षेत्र में सोमवार को उदयपुर कला में आयोजित कंबल वितरण में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। अखिलेश पर रामगोपाल यादव पर कटाक्ष करते हुए से बचते हुए नजर आए। उदयपुर कला के प्रधान आकांक्षा यादव के आवास पर आयोजित कंबल वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान व्यापारी नौजवान बेहद परेशान है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, 56 इंची सीने में दम नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ताओं की मांग पर इस बार लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगर मैनपी से नेताजी चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी का प्रत्याशी उनका समर्थन करेगा और फिरोजाबाद में आगामी 3 फरवरी को विशाल रैली करेंगे। लखनऊ में 9 दिसंबर को रैली में विशाल भीड़ को नेताजी मुलायम सिंह यादव ने तारीफ की थी। सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव ने कहा कि फिरोजाबाद में प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनके बेटे सांसद अच्छे यादव ने बर्बाद कर दिया। यादव सिंह पकड़ में बेटे को बचाने के लिए भाजपा से साठगांठ कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। तो इसलिए हम ज्यादा न कह कर बस इतना ही कहते हैं कि ऐसे लोगों का जब चुनाव हो, ऐसे लोगों का जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को बर्बाद किया हो, जनता के वोट से उनका सारा मोह हो जाना। ऐसे लोग जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को बर्बाद किया, गरीबों के हक को, आज नेताजी प्रधानमंत्री हो सकते थे और एक बार नहीं कई बार हो गए होते। किसने रोका है? किसने उन्हें गरीबों के हक को रोका है, किसानों के हक को रोका? आज किसान कितना बर्बाद है,